कहते हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत का फर्ज है। जी जी, इससे मुराद से दीनी इल्म लिया जा रहा है या दुनियावी इल्म भी? जी, इल्म हासिल करने के बारे में पूछ रही है कि जो हदीस है इल्म हासिल करने वाली, वो दुनियावी उमूर के बारे में है या दीनी उमूर के बारे में? इल्म तो बेटा दीनी हो या दुनियावी, सारे जो है ना अल्लाह की निगाह में संदीदा बशर्ते कि वो सही इल्म हो, दुनिया को भी अच्छे तरीका से बरतने के लिए, यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ज़रात का इल्म सीखें, टेब का इल्म इलाज के लिए सीखें, इमारतें तामीर करने के, सब अच्छी चीज़ें इंसानियत की खिदमत के लिए। मगर जिसको अल्लाह ने आले इल्म करार दिया ना, दीन आले इल्म बहुत से हैं, मगर जो खास इल्म है जो अल्लाह रसूल को प्यारा और जिसके बगैर सारे इल्म बेकार है, वो कुरान और सुन्नत का इल्म, अल्लाह की किताब पढ़ें, रसूलल्लाह की सुन्नत को पढ़ें, अल्लाह का दीन इसको इल्म कहता है। अगर ये लोगों को हासिल नहीं ना, तो बेशक वो डिग्री होल्डर हों, PhD, वो सब जाहिल नादान हैं, बेवकूफ हैं, उनके पास इल्म का जर्रा भी, हकीकी इल्म अल्लाह की किताब और रसूलल्लाह की सुन्नत है। इसके साथ साथ दुनियावी इल्म अगर सीखे और उनको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, वो भी बहुत अच्छी बात, बुरी नहीं। जी जी, बहुत शुक्रिया बहन आपका।